एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां श्रुणु त्विमां श्रुणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधं प्रहास्यसि कर्म बंधं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां इह अविक्रमनाशः नास्ति प्रत्यवायः न विद्यते अस्य धर्मस्य स्वल्पम् अपि त्रायते महतो भयात् स्वल्पम् अपि अस्य धर्मस्य अनुष्ठानम् इति अध्याहारः कर्तव्यः इस धर्म का थोड़ा भी अनुष्ठान थोड़ा भी परिपालन अस्य धर्मस्य स्वल्पम् अपि अनुष्ठानं त्रायते महतो भयात् अच्छा भाई सो कर्म की प्रकृति में तीन दोष हैं अथवा कहिए दोष शब्द न भी बोला जाए तो कर्म की ये प्रकृति है दोष शब्द बोलने का कारण ये बन जाता है कि जब वो प्रकृति हमारे अनुकूल होती है तो उसको गुण कह देते हैं और प्रतिकूल होती है तो उसी को लोग दोष बोल देते हैं वास्तव में तो पदार्थों की अपनी प्रकृतियां होती हैं और वो देश काल आयु
प्रसंग बदलने पर अनुकूल अथवा प्रतिकूल होती रहती हैं। सुकर्म में ये तीन प्रकृति है। पहली प्रकृति ये है कि उसके अनुष्ठान में क्रम की अपेक्षा है। दूसरे ये कि अगर उसको न किया जाए तो प्रत्यवाय दोष होता है। तीसरी प्रकृति उसकी ये है कि किसी भी कर्म को फलीभूत होने के लिए, किसी भी कर्म को सफल होने के लिए उस कर्म के अनुष्ठान की मात्रा पूरी होनी चाहिए, उस कर्म के अनुष्ठान की एक निश्चित मात्रा होती है और उसको कर्ता को पूरा करना चाहिए। कई लोगों को अभ्यास ऐसा हो जाता है हर चीज को अधूरा छोड़ देना और फिर जीवन भर फल से वंचित रहना, परिणाम से वंचित रहना। जीवन एक तरह से व्यर्थ ही हो जाता है। तो मात्रा की आवश्यकता है, निरंतर उसके अनुष्ठान की आवश्यकता है, नहीं तो प्रत्यवाय दोष होगा, और क्रम से अनुष्ठान की आवश्यकता होती है। जहाँ तक कर्म का प्रश्न है उसमें ये तीनों बातें निश्चित रूप से विद्यमान होती हैं। अब आई साधना की बात। यहाँ साधना कोई कर्म का नाम नहीं है। कर्मयोग वास्तव में कर्म का नाम नहीं है। कर्म के पीछे की जो बुद्धि है उसी का नाम कर्मयोग होता है। सो अभिक्रम नाश नहीं होता, पहले इसको देखें। मानो कि कर्म के पहले यह बुद्धि जागृत हुई कि मैं प्रभु का सेवक हूँ, प्रभु का हूँ, उनका दास हूँ, उन्होंने ही परिस्थिति दी है, मैंने काम उन्होंने ही दिया है और उन्होंने ही सामर्थ्य दी है, तो उन्हीं के द्वारा दी हुई परिस्थिति में, उन्हीं की दी हुई सामर्थ्य से, उन्हीं की प्रीति के लिए मुझे ये काम करना है, ये मुझे सेवा करनी है। जैसे ऑफिस में तो एम्प्लॉयर जो होता है उसी की दी हुई टेबल है और उसी की दी हुई टेबल पे बैठ करके एम्प्लॉयर ने ही उसको शक्ति अधिकार दे रखा है, तो उसी के दिए हुए अधिकारों से मैं काम करता हूँ। लेकिन वह काम फिर मेरे लिए अगर मैं करूँगा तो एम्प्लॉयर बहुत दिनों तक हमको रख नहीं सकता। जब शक्ति उसी की है, काम करने की जगह उसी की दी हुई है, काम करने का क्षेत्र उसी का दिया हुआ है, तो वो जरूर चाहेगा कि काम मेरे लिए किया जाए। अवश्य ही उसके बदले में वो वेतन देता है, आपको सुविधा देता है। लेकिन अगर कोई अधिकारी उस टेबल का और उस सामर्थ्य का उपयोग अपने लिए करने लग जाए तो उसी को फिर भ्रष्ट बोलते हैं। और थोड़े ही दिनों में एम्प्लॉयर को ये बात पता लगती ही है, थोड़े दिनों तक टालता है वो और इसके बाद उनको सेवा मुक्त करता है। नाउ ये दृष्टांत है। दार्ष्टांत ये है
कि जो सामर्थ्य है वो प्रभु ने दी है और कर्म क्षेत्र भी उन्होंने ही दिया है। जो परिस्थिति हम सबके जीवन में प्रकट होती है, कोई शायद ही ये दावा कर सके कि कर्म क्षेत्र का चुनाव हमने खुद किया। कल्पनाएं तो हम बहुत करते हैं, बचपन से करते आ रहे हैं, ये करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, लेकिन स्थिति जो है वो स्वतः एक बनती है, उसी में आदमी को काम करना होता है। कल्पनाएं हम खुद अपने बारे में करते हैं बहुत सारी, और हमारे जो बड़े लोग हैं, चाहने वाले लोग हैं, वो लोग भी हमको लेकर के कल्पनाएं करते हैं, योजनाएं बनाते हैं। देखा यही जाता है कि न तो उनकी योजना घटती है और प्रायः हमारी योजना तो घटती नहीं। ये है, हमारे सामने एक क्षेत्र उभरता है, एक परिस्थिति प्रकट होती है और व्यक्ति उस परिस्थिति में, उस कर्म क्षेत्र में ही इज हेल्पलेसली ड्रिवन इन टू इट। हर व्यक्ति सहज भाव से, अनायास अथवा कहिए बलात्, उसी क्षेत्र में मानो प्रवेश करता चला जाता है। जितने लोग हैं प्रायः सभी का ऐसा अनुभव है। इस अनुभव का उपयोग क्या है कि क्षेत्र का चुनाव मैंने किया है, यह धारणा विवेक के अनुकूल नहीं है। ज्यादातर क्षेत्र हमको स्वतः प्राप्त हुआ है तो देने वाला कोई है, सामर्थ्य भी मिली हुई है, उसकी दी हुई है। सो ही इज द एम्प्लायर, वो हमको कहीं कहीं सेवा देता है, शक्ति भी क्षेत्र भी। हमारा कर्तव्य क्या है कि उसी के लिए काम करना। लेकिन हम इसको भूलते हैं और हम उसी की दी हुई टेबल पे बैठ के उसी की दी हुई सामर्थ्य से अपने लिए एक निजी जीवन जीना चाहते हैं। अब ये उसकी उदारता है कि हम जी नहीं पाते निजी जीवन, केवल निजी जीवन जीने का संकल्प करते हैं, वो हमारा दोष है। अब उसकी उदारता ये है कि फिर भी वो तो काफी कुछ बचा देता है, हालांकि ऐसा व्यक्ति बहुत दूर तक जा नहीं पाता। जिसको आप प्रमोशन बोलते हो, जिसको विकास बोलते हो, न भीतरी क्षेत्र में उसका अधिक विकास होता है, न बाहरी क्षेत्र में उसकी सेवाएं बढ़ती हैं। नियम ऐसा ही देखा जाता है कि जो सेवा देने वाला है वो उसी को सेवा देता चला जाता है जो पहले दी हुई सेवाओं को ठीक से निभाए। सेवा का विस्तार ही वास्तव में प्रमोशन है, वेतन का विस्तार प्रमोशन नहीं होता। वेतन का विस्तार तो इट विल फॉलो। जो आपको अधिक से अधिक काम मिलता जाता है ना, वही प्रमोशन है। तो हमारे, अगर मैं गुरुदेव का स्मरण करूं, दृष्टांत दूं, तो परमात्मा ने उनको कितनी सेवाएं दी, पहले दिन दी क्या? पहले दिन नहीं दी, वो जितनी दी उतनी निभाई गई, जितनी दी उतनी निभाई गई। तो उसका परिणाम ये हुआ कि, है ना, जिस दिन उनका स्वास्थ्य अतिशय खराब हो गया, उस दिन वास्तव में वो एक भाषण देने जा रहे थे,
शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी ने जिस मंच से भाषण दिया था, उसी पोजीशन में, उसी मंच से, उसी रूप में उनको भाषण देने का चुनाव किया गया था। तो ही वॉज ड्राइविंग टू दैट सिटी शिकागो टू डिलीवर द स्पीच। सोचो आप, 100 वर्ष होने पर वो उत्सव मनाया जा रहा था एंड गुरुदेव वॉज चोजन फॉर दैट। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों को मालूम है। सो दैट वॉज हिज कैलिबर। आप सोच सकते हो कि उनका स्टैंडर्ड था, उनका ये स्तर था। वाइल गोइंग दोपहर की भिक्षा अपने मिशन के किसी भक्त के यहाँ ली और वहां से तबीयत खराब हुई, गला बंद हो गया। तो उनका जो वाक्य था वो चरितार्थ हुआ। वो बोलते थे, आई वुड लाइक टू डाई विद माई बूट्स ऑन, आई वुड लाइक टू डाई विद माई बूट्स ऑन लाइक ए सोल्जर। मैं मरना चाहूंगा जूते पहने हुए। एक फ्रेज है अंग्रेजी, मुहावरा। इसका मतलब है कि कर्म क्षेत्र में पूरी तरह से सन्नद्ध रहते हुए तो मैं अपनी यात्रा पूरी करना चाहूंगा। इन भगवान ने वो करवाया उनसे। लेकिन सेवाओं का जो विस्तार होता है वो होता तभी है जब व्यक्ति दी हुई सेवाओं का निर्वाह करे। पहले ही दिन कोई सेवा दी और पता चला कि ये लापरवाह आदमी ने बिगाड़ दिया, तो फिर अगली बार तो देते समय वो 100 बार सोचेगा इस बात को। कितना काम करवा, ये आप व्यक्ति का काम समझते हो ही नहीं सकता। कितना काम करवाया गया गुरुदेव को निमित्त बना करके। तो इसको प्रमोशन बोलते हैं। उनको वेतन चाहिए। क्या वेतन नहीं है उनके पास? राष्ट्रपति प्रणाम करते हैं, बगल में बैठते हैं। राष्ट्रपति को जो महात्मा सभा में बोल सकता है, मिस्टर प्रेसिडेंट यू आर लेट, आप लोगों को गुरुदेव की महिमा का बोध भी है कि नहीं? बंबई में इंटरनेशनल कैंप हो रहा था, मिस्टर जयल सिंह वॉज टू कम, ही हैज टू बिगिन द प्रोग्राम, ही हैड टू बिगिन द प्रोग्राम। लेट हो गए, गुरुदेव ने शुरू कर दिया। 15-20 मिनट बाद वो आए तो हमारी पूरी कमेटी के लोग उनको लेके आ रहे थे। आफ्टर ऑल ही वॉज प्रेसिडेंट। तो जैसे नजदीक पहुंचे गुरुदेव बोले, मिस्टर प्रेसिडेंट यू वेर लेट सो आई जस्ट स्टार्टेड। और जल सिंह ने सबके सामने ही बड़े तरीके से उसको अदब के साथ लिया और लोगों ने तालियां बजाई। बोले, इस देश की तो ये रीति रही है कि संत महात्मा हमको हमेशा ही मार्गदर्शन देते रहे हैं, उनका अंकुश हमारे ऊपर होना ही चाहिए। जयल सिंह, कौन सा वेतन चाहिए उनको? परहित बस जिनके मन माही, तिनकह जग दुर्लभ कछ नाही। ये वाक्य कोई छोटे मोटे वाक्य नहीं, सब प्रमाण वाक्य हैं। ये लोगों के जीवन में घटते हैं, घटे हैं और घटेंगे। सो हम लोग जब निजी जीवन जीने लग जाते हैं, बिल्कुल नितांत निजी जीवन, तो एम्प्लॉयर खुश होगा, ऐसी आशा कैसे कर सकते हो? तो अगर यह बुद्धि जागृत रहे, मानो
तब तो इस बुद्धि के सहित, इस बुद्धि पूर्वक जब हम कर्म करते हैं तो वही कर्म फिर कर्मयोग कहलाता है। मानो यह बुद्धि जागृत है, कर्म आरंभ हुआ, कर्म के मध्य में ये बुद्धि का लोप हो गया। बहुत बार ऐसा होता है, आरंभ में जगी रहती है, बाद में लोप हो गया, फिर काफी दिनों बाद फिर से जागृत हुई बुद्धि कि अरे मेरा काम थोड़ो है, ये तो प्रभु का काम है। प्राय कब जगती है? जब कोई अड़चन आ जाए। जैसे अंगद जी की बुद्धि बाद में जगाई गई, जब समुद्र के आगे कोई रास्ता ही नहीं, तब जामुंत जी ने जगाया। तो अब बुद्धि बाद में जगी, बीच में उसका लोप हो गया। अब कोई कहे कि अभिक्रम नाश होता है, ये ना, अभिक्रम का मतलब क्या हुआ? सीक्वेंस चाहिए, क्रम चाहिए। यह बुद्धि जब जागती है तब भी फल देने में समर्थ है। आया पकड़ में? आया। मानो कर्म के पूर्व में ही बुद्धि नहीं थी, मध्यकाल में भी नहीं थी, अंत में जागी, तो अंतकाल में भी वो व्यर्थ नहीं जाएगी। नौ नौ नौ, जब जब स्मरण होगा कि ये काम प्रभु का है, मैं उनका सेवक हूं, बस तब तब आध्यात्मिक लाभ तो हो ही जाएगा। जबकि कृषि में अथवा किसी भी कर्म में अगर क्रम का लोप हुआ, निष्फल हो गया, जैसे मैंने कल कृषि का किया था, कोई पढ़ाई का क्रम तोड़ना चाहे, पहले बीए में जाए, केजी में न जाए, तो कोई लेगा नहीं। लेकिन अगर मान लो कहीं किसी ऐसे परिवार से हो, वीआईपी, टॉप वीआईपी मैं बोल रहा हूँ, आप समझ लो उसको, बार बार रोज रोज नाम क्या लेना, तो वो तो सीधे प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, बीए क्या होता है। तो लेकिन आप क्या समझते हो, उनको शिक्षा मिल जाएगी क्रम तोड़ने से? कभी नहीं होता। कर्म एक चीज है, कर्मयोग की बुद्धि दूसरी चीज है, वो जब भी जागेगी तब फल दे देगी। इसलिए संतों ने कहा, जब जागे तभी सवेरा, प्रत्यवायो न विद्यते। अब बोले जब बुद्धि का लोप हो रहा होगा तो उस समय कोई दोष उत्पन्न होगा क्या? प्रत्यवाय उत्पन्न होगा क्या? भगवान कहते हैं प्रत्यवाय प्रत्यवाय न विद्यते। क्यों प्रत्यवाय नहीं होगा? आफ्टर ऑल दोष तो उत्पन्न होना चाहिए। अरे अनादि काल से बिना कर्म योग की बुद्धि के काम किए जा रहे हैं, क्या दोष उत्पन्न होगा? यू विल लिव अ नॉर्मल लाइफ, रूटीन लाइफ, यू विल नॉट गेन द स्पिरिचुअल प्रॉपर्टी, दैट इज ओके। लेकिन जैसे पहले जीते थे वैसे बाद में जीते रहेंगे। प्रत्यवाय कब बोलते हैं? जब नुकसान हो, नौकरी में नहीं जाने से है नुकसान होगा, ब्रश नहीं करने से हानि होगी, ये नॉर्मल लाइफ नहीं रह जाएगी। पकड़ में आता है? यू विल नॉट बी एबल टू लीड द रूटीन लाइफ। यहां यू विल गेन बट यू विल नॉट लूज। जो आपका नॉर्मल है वो तो है ही है, वो कहां जाता है? सो प्रत्यवायो न विद्यते। अच्छा, अब तीसरा कहा,
इसमें अधिक से अधिकम फलम, इसका कोई एक निश्चित मात्रा नहीं है। जितनी देर तक यह बुद्धि बनाई जा सके बना लेनी चाहिए, जब नहीं बनती है उसको लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कुआं अगर 100 फीट नहीं खोदा जाए तो पानी नहीं निकलेगा। हाँ, जितना भी हो, जितनी देर तक हो जाता है, कम से कम उतनी देर तक तो ये बुद्धि रही, उतनी देर तक तो सेवक भाव में वो व्यक्ति रहा, उतनी देर तक तो सुमिरन किया। वही जो साधना के किंचित किंचित संस्कार हैं, वही संचित होते जाते हैं और फिर अंततः उनका वेग बढ़ता है, धर्म मेघ का निर्माण होता है, फिर कर्ता बन के कर्म करना कठिन हो जाता है। कर्ता बन करके कर्म करना भार लगता है, सेवक बन करके यस चाहे जितना करवा लो लेकिन कर्ता बन करके नो। ये चित्त के अलग अलग स्वभाव हैं, इसका बहुत सटीक दृष्टांत तो नहीं आ रहा लेकिन एक दृष्टांत देता हूं। जो दक्ष व्यक्ति, दृष्टांत संभाल के देने पड़ते हैं, कोई दक्ष व्यक्ति है, कुशल है, समर्थ है, लेकिन वो किसी की नौकरी में रहता है, अपना व्यापार नहीं है उसका, किसी की नौकरी में रह करके उसकी दक्षता प्रकट होती है, उसकी दक्षता चरितार्थ होती है, आदत पड़ गई। अब कहिए कि तुम इतने दक्ष हो, इनकी इंडस्ट्री चला रहे हो, अपनी चलाओ एक इंडस्ट्री। हाँ, नाउ यू आर इम्प्लाई, यू आर सच ए कैपेबल पर्सन, आप इतने योग्य हो, लेकिन आप तो हो इम्प्लाई, वाई कांट यू बिकम इम्प्लायर? क्या आपको लगता है कि वो कर लेगा? जरूरी नहीं। उसके संस्कार इस तरह से बन जाते हैं कि वो कर्ता बन करके, मुख्य कर्ता बन करके, है ना, वो नहीं करता। आई माई सेल्फ हैव सीन मेनी फेलियर्स, मैंने स्वयं देखा है। जो दक्ष लोग हैं, इतने बड़े बड़े दक्ष लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चलाई, अपनी नहीं चला पाते। क्यों? वो तो कर्ता बनना पड़ा खुद। लाभ हानि सीधे हिट करती है किसको? कर्ता को। तो जो टेंशन है वो नेचुरली कर्ता को होता है। उसको लगता है ये जीवन नहीं जी सकता मैं। आप जरा सोचिए, सिंपल इम्प्लाई लाइफ जीने में ये स्वभाव बन गया, अगर कोई भक्त बन के जीता हो और प्रभु के आश्वासन का रस लेते हुए काम करता हो, उनके प्रेम का रस रोज मिलता हो और फिर कर्म करता हो, वो क्या इतना मूर्ख है? कभी कर्ता बन करके वो कर्म करना नहीं चाहता। इसको बोलते हैं कर्मयोग की सिद्धि। लेकिन क्या ये पहले दिन हो गई? ये पहले दिन नहीं हुई, स्वल्पम स्वल्पम स्वल्पम। देखो, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य अनुष्ठानम महतो भयात्रायते। अंततः जब यही संस्कार दृढ़ हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तब फिर बस महान भय से मुक्ति होती है।
और भय क्या है, संसार भयात भाष्यकार लिखते हैं, जन्म मरणादि लक्षणात्। इस भय से पार हो जाता है साधक। तो अब आप सोचिए भगवान कितना प्ररोचन करते हैं कि एक सवाल एक बुद्धि का है, किसके विषय में बुद्धि, योगे, वो श्लोक के ही क्रम में चला जाए। सांख्य बुद्धि वो तो हमारा असली लक्ष्य है, उस सांख्य बुद्धि का जो उपाय है, सांख्य बुद्धि का जो संपादन करवाने वाली बुद्धि है, सांख्य बुद्धि को धारण करने में हमको समर्थ बनाने वाली जो बुद्धि है, उस बुद्धि का नाम है योगे बुद्धि, योग विषयक बुद्धि है। दोनों बुद्धि ध्यान रखना, कर्म को कर्मयोग कहते ही नहीं। अगर वो बुद्धि है तो जूता बनाना कर्मयोग है, और अगर वो बुद्धि नहीं है तो पूजा का काम भी नौकरी है, हो सकता है व्यापार हो, कर्म हो, प्रवचन व्यापार है। माने दुर्घटनाएं इतनी बड़ी बड़ी घटती हैं। शास्त्र ये चाहता है कि हम अपने घर को मंदिर बना लें, हम अपने व्यापार को मंदिर बना लें, सेवा बना लें, शास्त्र ये चाहता है। हम मंदिर को घर बना लेते हैं, देखो उल्टी बात, और हम सेवा को व्यापार बना लेते हैं। वो चाहते हैं व्यापार को सेवा बना लो। हमारी ऐसी स्थिति है, दुर्गति है, कि हम लोग जो हैं प्रवचन को व्यापार बनाएंगे, सेवा को व्यापार बनाएंगे, पूरी तरह से विपरीत दिशागामी हो जाते हैं। कम से कम दरमियानी जो व्यक्ति है, बीच का जो व्यक्ति है, वो व्यापार करता है और फिर कहीं तो सेवा करता है, चाहे 5-10 मिनट करता हो, या 1 घंटे करता हो, या साल में 10 दिन करता हो। जब व्यक्ति सेवा को ही व्यापार बनावेगा तो सेवा कहाँ करेगा वो, जरा सोचो कितनी बड़ी दुर्घटना है। उसके लिए तो अब सेवा की का कोई भी क्षेत्र नहीं बचा। जिसने मंदिर को ही एक दुकान बनाया, अब वो मंदिर कहाँ जाएगा। मानो दुकान को जिसने दुकान बनाया, वो हो सकता है शाम को किसी दिन मंदिर आवे, लेकिन जिसने मंदिर को ही दुकान बनाया, वो कहाँ जाएगा। उसके लिए मंदिर की कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गई। ही हैज नो टेम्पल फॉर हिमसेल्फ, एवरी टेम्पल इज ए शॉप फॉर हिम। कितनी बड़ी दुर्घटना है। प्रवचन को, उपदेश को अगर आप व्यापार बना लो, फिर हमारी बुद्धि को सीखने की जगह कोई बचती है। कहां जाओगे सीखने, जहां जाओगे वहां आपको बिजनेस दिखेगा। तो वहां आप लाभ हानि की बात सोचोगे बजाय इसके कि कोई प्रमाण विचार हो रहा हो। सो इससे बड़ी दुर्घटना हो नहीं सकती। लेकिन सबका अपना अपना जीवन है। परमात्मा, लोगों को कई बार ये धारणा बन जाती है कि कोई कर्म विशेष कर्म योग है, कोई कर्म विशेष पवित्र है। हमारा हिंदू धर्म, एक बात को ध्यान में रख लेना, चाहे तो लिख लें, हिंदू धर्म में धर्म क्रिया में नहीं है, द्रव्य में नहीं है। दोनों में धर्म का निवास नहीं होता। कौन सा द्रव्य
में धर्म रहता है ये हम नहीं बोल सकते। कौन सी क्रिया में धर्म रहता है ये हम नहीं बोल सकते। वध की क्रिया सैनिक करता है वो एक बात हो जाती है, वधिक करता है दूसरी बात हो जाती है। दंड जज देता है वो एक बात होती है, और दंड एक प्रतिशोध की भावना से एक शत्रु दे तो वो नहीं कहा जाएगा कि दंड है, क्रिया वही हुई हाँ, लेकिन उसको ये नहीं कहा जा सकता कि वो दंड है। क्या कहा जाएगा? प्रतिशोध है, बदला है। प्रतिशोध तो पाप है। देखो शबरी झाड़ू लगाती थी, ठीक है, धर्म का निवास है वहां, अध्यात्म का निवास है वहां, परमात्मा आते हैं वहां। वह क्रिया अपने स्वधर्म के अनुसार हो, वह क्रिया भक्ति भाव पूर्वक हो, उसके पीछे मोटिव कैसा है, उसके पीछे इंटेंशन क्या है, वो जो मोटिव है वो अधिकार है, वो जो इंटेंशन है वो उस क्रिया को धार्मिक अथवा अधार्मिक बनाता है। ध्यान रखना है तीनों बात, उसमें सबसे पहली बात है अधिकार। गृहस्थ अगर दुकान करता है, व्यापार करता है, नौकरी करता है, धर्म है। संतानोत्पत्ति करता है, धर्म है। वही काम ब्रह्मचारी अथवा सन्यासी करे, धर्म नहीं है, अधिकारी नहीं रहा वो। एक सन्यासी दुकान पे बैठा हो न शोभत है, रोज जो है गैरिक वस्त्र में ऑफिस में जाता है, एक टेबल पे बैठ के काम करता है, वेतन लेता है। थोड़ी दिनों में लोग कहेंगे कि क्यों पहनते हो पैंट शर्ट पहनो, सी बना ना। सो क्रिया नहीं, द्रव्य नहीं, अधिकार पूर्वक एक पवित्र भावना से, भक्ति भावना से, सेवक भावना से जब व्यक्ति कर्म करता है तब जा करके वह क्रिया पवित्र बनती है, वह क्रिया धर्म सम्मत बनती है। यहां तो प्रश्न केवल बुद्धि का है, स्वधर्माचरण हो, परधर्माचरण न हो, स्वधर्माचरण हो, लेकिन उसके भी पीछे बुद्धि सेवक की होनी चाहिए। जितनी संभल जाए, कोई आग्रह नहीं है कि देखो तुम दिन भर नहीं संभाल सके तो इसका कोई मतलब नहीं रहा, ऐसा नहीं है। क्या पंक्ति लिखते हैं भगवान? हाँ, स्वल्पम स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो एक बहुत बड़ा गुण ये बताया कि साधना में, साधना मैंने फिर से ध्यान रखना क्या, बुद्धि, बुद्धि यहां पर, ये बुद्धि में क्रम आगे आई कि पीछे आई कि बीच में आई है, इसका कोई बहुत आग्रह नहीं है। साधन काल में जब आ जाए तभी जीवन धन्य है, कर्म के बीच में आ जाए या कर्म के समाप्ति काल में आ जाए या पहले आ जाए, अरे तीनों समय में बनी रहे तब तो फिर क्या, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। लेकिन नहीं बन रही है इसलिए तो साधक है व्यक्ति। नारायण अब एक बात कहते हैं, ये तीनों दोष उसमें नहीं है। अब अगली बात,
कहते हैं हे कुरुनंदना, इह इह माने कर्म योग विषये, योग विषये, इह इस बुद्धि में, यह शब्द का अर्थ मनन सोच लेना चाहिए। इस बुद्धि में एक विशेषता है, क्या विशेषता है? एका व्यवसायात्मिका बुद्धि अस्ति। इस साधन के विषय में जो बुद्धि है, कर्मयोग के विषय में जो बुद्धि है, वो निश्चयात्मिका होती है और एक होती है। ये बहुत बड़ा गुण बताने जा रहे हैं। एका व्यवसायात्मिका बुद्धि, कुत्र? इह, इह, इह माने कर्मयोग विषये बुद्धि, कर्मयोग विषये व्यवसायात्मिका, व्यवसाय माने निश्चय, अध्यवसाय, एक पक्की निश्चयात्मिका बुद्धि है। और इसके ठीक विपरीत बुद्धयः बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयः अव्यवसायिनाम, बुद्धयः बहुवचन है, नाना प्रकार की अनिश्चयात्मक बुद्धि होती है, इतनी शाखाएं उसमें से फूटती हैं, इसलिए उसका नाम पड़ा बहुशाखा। और बुद्धियां कितनी बनती हैं, निश्चय कितने बनते हैं? अनंत। ऐसी बुद्धि को धारण करने वालों का नाम क्या है? अव्यवसायी। ये षष्ठी बहुवचन बना अव्यवसायी नाम। ये अव्यवसायी नाम बुद्धयः, अव्यवसायियों की जो बुद्धि है वो कितनी है? अनंत है, बहुशाखा वाली है। अब इसको समझना पड़ेगा। व्यक्ति के जीवन में, ध्यान से समझें इसको, व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य में कोई विकल्प नहीं है। सभी लोगों का एक ही लक्ष्य है, सुख चाहिए। जीवन चाहिए, जीवन चाहिए माने मैं विनष्ट नहीं होना चाहता। तो सभी लोगों को अविनाश की स्थिति चाहिए, सत्ता चाहिए, सद्रूपता चाहिए। इस जीवन को बचाने के लिए हमको लगता है कि हमने घर बनाया, हमने नौकरी करी, हमने परिवार बनाया, गांव बनाया, शिक्षा प्राप्त की, ये सब किसके लिए? बोले जीवन के लिए। तो मौलिक प्रश्न तो व्यक्ति का क्या है? जीवन। सुख बाद में आता है, ध्यान रखना। हाँ, मौलिक प्रश्न पहला, भाई जीवित रहोगे तब तो सुखी होंगे। जीवन को बचाने के लिए कई बार व्यक्ति दुखी भी हो लेता है। इसलिए मूल प्रश्न सुख नहीं लगता, सोच के देख लेना। मूल प्रश्न है जीवन। फिर जीवन के साथ साथ सुखी जीवन एक मौलिक प्रश्न बनता है, और उसी के साथ एक मौलिक प्रश्न बनता है अपराधीन जीवन। ये माने जीवन में स्वतंत्रता की एक मांग है, एक स्वाधीनता की मांग है। हालांकि बहुत बड़ा जीवन निकल जाता है और हम स्वाधीनता को परिभाषित नहीं करते। हम समझते हैं स्वाधीनता माने क्या होता है। अगर सच में ईमानदारी से कभी पूछा जाए कि आप स्वाधीनता का क्या अभिप्राय समझते हो,
तो मुझे ऐसा विश्वास है कि अधिकतम लोग इसको बता नहीं पाएंगे, इतनी छोटी बात है बता नहीं पाएंगे। अच्छा बताओ आप, हालांकि एक दिन मैंने परिभाषा बताई थी, हाँ, हाँ ये है बातें अपनी जगह पर है। अपने सुख सुरक्षा के लिए दूसरे की अधीनता ना हो, अथवा क्या बताएं, अपने तंत्र में रहना। वो तंत्र की अनुभूति तो होती है, तब स्वयं के बनाए हुए नियम की अधीनता मालूम होने लगती है। दूसरा भले न कोई कहे, लेकिन वो पराधीन से बेहतर पराधीनता है। दूसरे की पराधीनता से एक बेहतर पराधीनता है। तो खैर हम अब इस विषय को बहुत नहीं लेते अभी, लेकिन हम ये कहते हैं कि आदमी जाने न जाने स्वाधीनता चाहता जरूर है। अच्छा मैं इतनी बात बोलता हूं, स्वाधीनता की जननी है सामर्थ्य की अनुभूति। समर्थ ही स्वाधीन होता है, जो असमर्थ है वो कभी स्वाधीन नहीं होता। एक बालक स्वाधीन हो जाए ये असंभव है। जब जवान होता है तो बोलते हैं अब ये स्वाधीन होने लगे, माने क्या, समर्थ होने लगे, उनके शरीर में सामर्थ्य आ गई और फिर इकोनॉमिकली समर्थ हो गए, ये यही मतलब है। तो स्वाधीनता की अनुभूति का एक रूप है अपने में हाँ सामर्थ्य की अनुभूति। अंततः ये लक्षण जाके आत्मा में चरितार्थ होगा। परम स्वाधीनता असल में वहां जाकर के घटती है, लेकिन व्यावहारिक स्वाधीनता भी होती है। चलो एक परिभाषा लिख लो आप। एक परिभाषा ये है कि जो अवांछित है, जो नहीं होना चाहिए, उसकी स्फूर्ति ही ना हो, और जो होना चाहिए वह स्वतः हो जाए। ठीक है, इसको स्वाधीनता की व्यावहारिक अनुभूति बोलते हैं। जो नहीं होना चाहिए उसकी स्फूर्ति भी ना हो, जो होना चाहिए वो स्वतः सहज होता चला जाए। बस इस कसौटी पर देखो जरा कि जो नहीं होना चाहिए उसकी स्फूर्ति तो होती है, लेकिन उसको दबाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, रोकना पड़ता है, तो संघर्ष आया ना। और जो होना चाहिए उसका उसको होने का मन नहीं होता, तो अपने को डंडा मारना पड़ता है, चाहे मैं मारूं चाहे दूसरा मारे। हाँ बना, इसको बोलते हैं पराधीनता। साधना की सिद्धि ये है। तो स्वाधीनता भी एक जीवन का मौलिक प्रश्न है, तात्कालिक नहीं है, टेम्परेरी नहीं है, प्रसंग से आया हुआ प्रश्न नहीं है। जीवन पहला मौलिक प्रश्न है, सुखी जीवन और स्वाधीन जीवन, अर्थात समर्थ जीवन। स्वाधीन जीवन और समर्थ जीवन आप चाहें तो कह लें ये दोनों पर्यायवाची हैं। नाउ यह जो लक्ष्य है
प्राणी मात्र का है और इसमें कहां एक गलती के बाद दूसरी गलती नहीं होनी चाहिए। इस लक्ष्य में किसी को कोई विकल्प नहीं है, सभी लोग केवल इस लक्ष्य को चाहते हैं। अच्छा, अब हमारी बुद्धि हमको सुझाव देती है, प्रस्ताव करती है, क्या कि ऐसा करोगे तो ये लक्ष्य पूरा हो जाएगा। अब ये बुद्धि बनी और अगर वो दृढ़ बन गई तो हम वैसा करते हैं। जब हम वो काम करते हैं और फिर जो बुद्धि ने वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ, न तो स्वाधीनता की का लाभ हुआ और न सुखी जीवन का लाभ हुआ, तो वहां पहुंचने के बाद पता चला कि यहां तो वो चीज नहीं मिली जो मुझे उस समय लगती थी। तब अब दूसरी बुद्धि बनी कि ऐसा करते तो ज्यादा अच्छा था, ये हो जाएगा, फिर ये करते हैं, फिर वहां पहुंचते हैं, फिर वो लाभ नहीं होता, फिर एक बुद्धि बनती है। कितनी बुद्धि बनेगी ऐसे? आया पकड़ में? आया ये श्लोक? बहु शाखा अनंताश्च। ओफो, मैंने अगर आप गिनने की कोशिश करें कि जब आपको होश आया तब से लेकर के आज तक आपने कितनी बुद्धियां बनाई हैं इन तीनों को पाने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि हम इसी जीवन की बुद्धियों को गिन लेंगे तो बाकी जीवन की तो बात ही छोड़िए। कई बार तो रोज ही कोई न कोई बुद्धि बनती है। ये होगा, फिर वो होगा, सडनली भगवान बोलते हुए दिखाई देते हैं, अनंताश्च बहुशाखा। मति थिर नहीं पावे, ये जो मति है ना हमारी, वो कोई ठिकाना उसको नहीं मिलता, ऐसा लगता है बेचारी तैर रही है, बीच बीच में पांव टिकाने की कोशिश करती है, मिलता ही नहीं जमीन। ये है जीवन। लोग पता नहीं परमात्मा के निवास के कारण जी जाते हैं, बट कहानी सबकी यही है, तैरते रहते इन स्पाइट ऑफ दिस दे आर एबल टू लिव। सुखी राम के दास गोस्वामी जी ने कहा, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। ये बिल्कुल सही है। बुद्धियों में एक तो अनंतता है, व्हाट ए एक्सप्रेशन, भगवान की अभिव्यक्ति देखिए। एक तो बुद्धि ही एक नहीं है, अनंत है, और उस एक एक बुद्धि में बहुशाखा। वो जन्मदिन पर एक पिक्चर में गाना आया जो मुझे भी गा के सुनाया अम्मा ने, तुम जियो हजारों साल, ये तो हो गई अनंता बुद्धि, फिर साल के दिन हो 50,000, ये बहुशाखा है। एक तो बुद्धि अनेक, फिर उस एक एक बुद्धि में बहुशाखा बहुशाखा। बोले दिस इज हाउ पीपल आर लिविंग अर्जुन, लोगों का जीवन ऐसे चल रहा है, हमको तो ऐसा ही दिखता है। बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयः अव्यवसायी नाम, और यहां
अगर एक बार योग के विषय में बुद्धि समझ में आ गई और किसी ने अपने को उस बुद्धि से युक्त कर लिया, गुड, बुद्धिया युक्त यया पार्थ, किसी ने इस बुद्धि को धारण कर लिया, अब न अनंतता होगी न बहुशाखा होगी, सिंपल। अब एक बुद्धि है, क्या जी, मैं परमात्मा का दास हूं, यह बुद्धि बदलती नहीं। 15 तरह के उठापटक करने की जरूरत नहीं है। जो क्षेत्र पर प्रभु भेजेंगे, जो सामर्थ्य उनकी दी हुई होगी, उस सामर्थ्य से उनके दिए हुए काम को संपादन करना उनकी प्रीति के लिए, निजी काम नहीं करना है, उनकी प्रीति के लिए, उनकी भक्ति बढ़े हमारे हृदय में, इसके लिए बस मेरा जीवन है। सारे कर्मों की यही व्याख्या है। किसकी? योगी की। हुई ना व्यवसायात्मिका बुद्धि, एक निश्चयात्मिका बुद्धि है, वो कभी टलती नहीं। चाहे वो लंका दहन हो रहा हो, चाहे वो संजीवनी बूटी लाई जा रही हो, काम तो दो दिखाई दे रहे हैं लेकिन बुद्धि एक है। लंका दहन भी भगवान की भक्ति और संजीवनी बोटी लाना भी भगवान की भक्ति। ये इसको बोलते हैं अव्यवसायी बुद्धि। काम चाहे युद्ध का हो और चाहे बैठ करके कीर्तन करने का हो। हनुमान जी महाराज कथा के रसिक हैं, जहां राम कथा होती है वहां बैठ के सुनते हैं। ध्यान रखना, वो भी उसी भूमि आता है। क्या? भगवान की भक्ति है, बस और कुछ चाहिए नहीं। जो भक्त होता है वो जो कर्म करता है उसके पीछे दो चार बुद्धियां नहीं होती। कर्म असंख्य हो सकते हैं, बुद्धि वही रहती है। और निश्चित फल देने वाली है, मृग मरीच का नहीं है कि वहां पहुंचेंगे तो पता चला पानी नहीं मिला। ये जो अव्यवसायियों की बुद्धियां हैं, ये तो प्रस्ताव करती हैं, हम दौड़ते दौड़ते वहां पहुंचते हैं, वहां पहुंचने के बाद पता चला ये तो नहीं मिला। इसी को तो मृग मरीच का कहा गया है। हिरन जल देखता है, वहां दौड़ के जाता है, जाने पर उसको जल नहीं मिलता, ये तो समस्या है। जल नहीं मिलता लेकिन दूर जल दिखने लगता है, ये समस्या है। दिखना बंद नहीं होता, मिलता नहीं है। बेचारे को दौड़ाया जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है, दौड़ते दौड़ते मर जाता है। कभी अकेले में देखो आप, अपने जीवन में क्या ऐसा नहीं दिखता आपको? दौड़ दौड़ के जाते हैं वहां, नहीं मिला, लेकिन ये नहीं कि दिखना बंद नहीं होगा, वहां दिखना शुरू होगा। चलो वहां दौड़ते हैं, वहां पहुंचे। दिस इज हाउ लीडिंग द लाइफ। बुद्धया अव्यवसायी नाम। एक जीवन ऐसा है, हजारों बुद्धियां हैं, अनंत बुद्धियां हैं, उसमें बहुशाखा है, परिणाम जीरो। जीव भाव में कोई कमी नहीं आई, हो सकता है बढ़ जाए। संस्कारों का कोई क्षरण नहीं हुआ, साधना के संस्कारों का कोई संचय नहीं हुआ, हो सकता है विपरीत संस्कार ज्यादा हो जाए। प्रभु से निकटता की अनुभूति नहीं हुई, हो सकता है दूर ही पड़ जाए, नास्तिक भाव आ जाए। ये जीवन की सफलताएं हैं लोगों की। अंतर यात्रा करने की सामर्थ्य
बस बैठ ही नहीं सकते, ये सब सफलताएं हैं। और जब यह बुद्धि धारण की जाती है, निश्चित है व्यक्ति साधना के संस्कारों के क्षेत्र में पहले से अधिक समृद्ध होता है, निश्चित है। अगर उसके पास पहले साधना के अकाउंट में कुछ हजार रुपए होंगे तो जीवन के अंतिम काल में लाख तो जरूर होंगे। वो कमाई है, नानक नाम कमाई मांगे। प्रभु जो शायद नहीं है कि है ऐसा संशय रहता होगा, समय बीतने के साथ साथ उसके होने की बात छोड़ो, उसके निकटता की अनुभूति होने लगती है। ये लाभ है। दुष्ट स्वभाव का क्षय होता है, ये लाभ है। और स्वरूपस्थ होने के जितने बाधक तत्व हैं वो घटते हैं और स्वरूप समझ में आता है, उसमें निष्ठा होती है। इसलिए योग बुद्धि स्वरूप को देने वाली है। योग बुद्धि सांख्य बुद्धि को धारण करने में समर्थ बनाने वाली है, इसलिए इसको उपाय बुद्धि बोलते हैं। ये उपाय है, इसीलिए गीता को ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र। ब्रह्म विद्या हुई सांख्य बुद्धि और योग शास्त्र हुआ कर्म के विषय में, योग के विषय में बुद्धि। ये आपको पकड़ में आता है दोनों बात क्यों कही जा रही है? ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र, इसको बोलते हैं क्रम समुच्चय। उपाय उपेय है, उपाय है कर्मयोग की बुद्धि और उपेय है सांख्य बुद्धि। इसी कारण से जब जब लोगों ने दोनों को स्वतंत्र मार्ग के रूप में प्रतिपादन किया, भाष्यकार ने उसका विरोध किया और अद्वैत वेदांत में इसका प्रबल विरोध है, क्योंकि वो तो गीता का अर्थ ही बदलने वाली बात है। क्या बोलते हैं भाष्यकार? बोलते हैं देखो ये 39वें श्लोक पर भाष्य दूसरा पैराग्राफ। योगे तु मिला तत्प्राप्ति उपाये। ये योग का लक्षण क्या है? सांख्य बुद्धि की प्राप्ति का उपाय। ये योगे तु योग तत्प्राप्ति उपाय, योग का अर्थ है तत् तत् बुद्धि की प्राप्ति का उपाय। ये कैसे उपाय बनता है? वो जब आप कर्म फल से निस्संग होके काम करते हो तो निस्संगतया द्वंद्व प्रहाण पूर्वकम ईश्वराराधनार्थे, ध्यान रखना यही कर्मयोग है। ये कोई सेकुलरिज्म का नाम कर्मयोग नहीं है, वो बन ही नहीं सकता। हम तो इसको दृढ़ता से मानते हैं, जानते हैं। अगर आराधना का भाव ना हो, अभिमान ही लोग बढ़ाते हैं, कर्मयोग वगैरह कुछ होता नहीं। क्या बोलते हैं? ईश्वर आराधना अर्थे कर्मयोगे कर्मानुष्ठाने समाधि योगे च इमाम। इस विषय में इस बुद्धि को सुनो, इमाम अनंतरम एव उच्यमानाम बुद्धिम सुनो। ये सो बस ये दो बुद्धियों का बार बार पूरी गीता में वर्णन आपको मिलेगा, उसको पकड़ के रखना चाहिए। बाकी जो दूसरे विषय हैं वो आनुषंगिक हैं। आनुषंगिक समझते हैं? उससे लगे हुए, उसके संग में आए हुए। लेकिन मुख्य उपदेश इन्हीं दो बुद्धि का है। कभी सांख्य बुद्धि को जन्म देने के लिए उपदेश है,
और कभी योग के विषय में बुद्धि क्या है उसको समझाने के लिए उपदेश है। बस यही दो बातें चलती रहती हैं। अगर इसकी पकड़ बनी तब गीता पकड़ में आती है। अच्छा भाई, तो साफ साफ कह दिया कि जो इस बुद्धि से वंचित रहित लोग हैं उनकी तो कहानी तुम समझ लो, वो तो बहुशाखा वाले होंगे, उनका कोई ठिकाना नहीं है कि आज जिसको उनकी बुद्धि मान रही है कल भी उसको मानेगी, ये निश्चित बिल्कुल नहीं है। और जो उनको लाभ होना चाहिए, आज जिस स्थिति में भीतर हैं वो कल इससे आगे बढ़ेंगे, ये कभी नहीं होने वाला है। भूशाखा अनंतास्य बुद्धयो व्यवसायिनाम। बोले कुछ वैदिक लोग हैं जो कर्मकांड के बड़े भक्त हैं, वो जब कर्म की बात करते हैं तो दे हैव द लैंग्वेज पावर, उनके पास भाषा का बल है, बड़ी पुष्पित भाषा बोली जा सकती है। ध्यान रखना है केवल वैदिक कर्म की बात नहीं है, लौकिक कर्म वाले लोग भी कर्म की जब प्रशंसा शुरू करते हैं तो ओहो हो पुष्पिताम वाचम याम इमाम पुष्पिताम वाचम, स्त्रीलिंग है सबका, ये जो पुष्पित वाणी है, अलंकृत वाणी है, द फ्लावरी लैंग्वेज फुल ऑफ अर्नामेंट्स है ना, ये जो अलंकारों से सजी धजी झनकार करती हुई जो पुष्पित वाणी है, प्रवदंती, उस वाणी को बोलते हैं कौन? बोलते हैं मूर्ख लोग। लो ये है असली टिप्पणी, प्रवदंती। हाँ, विपस्सिता मत पढ़ देना भाई। हाँ, अविपस्सिता, अनिल ने तो पढ़ ही दिया था लेकिन अब हमने इसमें सुधार। प्रवदंती अविपस्सिता, ना समझ है, जीवन को जानते नहीं, जीवन के रहस्य को, लक्ष्य को, किसी चीज को जानते नहीं, लेकिन पढ़े लिखे लोग हैं। वाह, भाषा जानते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, कर्म की प्रशंसा करते हैं। कर्म विल टेक यू टू द हेवन। उद्योगिनः सिंहमुपैति लक्ष्मी। कर्म करने वाला व्यक्ति जब आंख खुलती है तो उसका प्रारब्ध का भी आंख खुलती है, भाग्य की आंख खुलती है। जब वो बैठ जाता है तो उसका भाग्य भी सोता हुआ नहीं रहता, बैठ जाता है। जब वो खड़ा हो जाता है तो उसका भाग्य खड़ा हो जाता है। संस्कृत के श्लोक है इस पर। जब वो चलने लगता है तो भाग्य चलता है, और जब वो दौड़ने लगता है तो उसका भाग्य दौड़ता है, और जब वो फ्लाइट में दौड़ने लगता है जब वो उड़ने लगता है तो निश्चित है कि उसका भाग्य भी उड़ने लगता है। होता है, दुनिया में देखा जाता है। इससे प्रवदंती, किम प्रवदंती हैं? नहीं, किम प्रवदंती वाचम प्रवदंती, इसीलिए मैंने पूछा किम प्रबंध। संस्कृत वाला मसला थोड़ा अटका रहता है आप लोगों का। किम प्रवदंती वाचम प्रवदंती, कीदृशी वाचम पुष्पिताम याम इमाम। तुम तो अर्जुन जानते ही हो ये लोग बहुत बखान करते हैं, और ऊपर से वेद के मंत्रों का उद्धरण देते हैं, वेदवाद रताह। ये कोई अनपढ़े लोगों की बात थोड़ो की जा रही है।
वेदवाद में रमण करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं कि वेद का यही मत है। वेदवाद रता पार्थ, और यहां तक बोल जाते हैं, क्या बोल जाते हैं, कर्म ही भगवान है, कर्म ही पूजा है। एक सज्जन ने मुझे कहा, किसी शहर में था मैं, बोले स्वामी जी कर्म ही पूजा है, आपका क्या कहना है। मैंने कहा ऐसा ट्रक पे लिखा रहता है। लोग इतने हंसे, मैंने कहा मैंने किसी शास्त्र में नहीं पढ़ाई आज तक। तो अगर आप उन्हीं के अनुयायी बनना चाहते हो, स्वागत है। ट्रकों के पीछे लिखते हैं कर्म ही भगवान है। क्या बोलते हैं भगवान? न अन्यत अस्ति इति वादिना। ये ऐसे बोलने वाले लोग हैं, और कुछ है नहीं। क्या है फिर? कर्म ही है। कर्मन की गति न्यारी साधो। अर्जुन ने कहा भगवान आपका क्या कहना है? बोले हमने तो पहले ही कह दिया, ये सब के सब अविपस्थित लोग हैं, चाहे जितनी मर्जी उछल कूद करें, इनको जीवन का कुछ पता नहीं, क ख ग घ भी नहीं मालूम है। इसलिए इनके अलंकृत वाणी के मोह में नहीं पड़ना चाहिए, दो बुद्धि संभालनी चाहिए। योग विषय बुद्धि, सांख्य विषय बुद्धि। भगवान ने इसका इतना प्यारा निरूपण किया है, बट वंस यू मिस इट यू विल मिस फॉर एवर। अगर गीता में ये विषय मिस कर गए आप, फिर आप ठीक है श्लोक में इधर से उधर करते रहो। एक जगह लिखा नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, तो वहां कौन सी बुद्धि नहीं मिलती? सांख्य बुद्धि। किसको? अयुक्तस्य माने अयोगी को, माने जिसके पास योग बुद्धि नहीं है, हाँ, उसको सांख्य बुद्धि नहीं मिलती। साफ साफ कह दिया, आया पकड़ में? नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य। और बोले न केवल मिलती नहीं है, अगर कदाचित किसी तरह से मिल भी जाए तो तुम धारण नहीं कर पाओगे। नचायुक्तस्य भावना, मूल में क्या है? अयुक्तस्य। वो उपाय तो तुम्हारे पास है नहीं। जो समर्थ बनाने वाली बुद्धि है, उस बुद्धि को तुमने अपनाया नहीं, और सीधे पकड़ना चाहते हो सांख्य बुद्धि को। नचा भावयत शांति, अशांतस्य कुतः सुखम। सी, सो ये रिलेशन हमेशा ध्यान में रहिए। सरल सरल सी बात भगवान ने कही, क्या दो बुद्धियों का सवाल है? क्या कठिनाई है? लोग कहते हैं कई बार बहुत कठिनाई है। इसमें कठिनाई क्या है? भिक्षुक मांगता क्या, क्या बोले? पापी पेट का सवाल है। हाँ, ये बोलते हैं। हम भगवान से कहते हैं दो बुद्धियों का सवाल है, आप ही ने बताया था, वही दे दीजिए, बाकी तो ठीक ही है। पुष्पिताम वाचम नहीं, व्यवसाय आत्मी का बुद्धि चाहिए। क्यों महात्मा सुधीर दास? चलो छोड़ देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य
ओम सही सर।